press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे, यानी व्याकरण में आज मैंने आपको लिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। लिंग लिंग यानी जेंडर अल्वा, लिंगद बग्गे अंदरे नीवु केळिर्तीरि ओदिदीरि कूड। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका ज्ञान लेंगे यानी थोड़ा पुनरावर्तन करेंगे। आज मैंने आपको व्याकरण के भाग लिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। पहले हम जानेंगे लिंग की परिभाषा यानी लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। और एक बार मैंने आपको बताती हूँ, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध हो यानी उसे हम क्या कहते हैं, लिंग खाते हैं। देखेंगे लिंग की परिभाषा, पहले हम लिंग की परिभाषा देखेंगे, बाद में लिंग के प्रकार देखेंगे। लिंग में दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। पुल्लिंग, पुल्लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे ही स्त्रीलिंग, जिस शब्द से किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों को, लिंग किसे कहते हैं, लिंग में कितने प्रकार है, और पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग से पुल्लिंग रूप में तो उसे हम क्या करना है, स्त्रीलिंग रूप में बदलते हैं। स्त्रीलिंग रूप रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग रूप। स्त्रीलिंग रूप में रहे तो उसे हम पुल्लिंग रूप में बदलते हैं, यह हम जानेंगे आज। अच्छा, पहले मैंने आपको लिंग की परिभाषा बताती हूँ। क्या लिंग किसे कहते हैं, इस प्रश्न के लिए आप उत्तर लिख सकते हो, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, है ना। ये क्या है, लिंग किसे कहते हैं, इस प्रश्न के लिए उत्तर है, क्या संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब व्यक्ति आगिर्बोदु अथवा वस्तु आगिर्बोदु, अदर ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪನ ಪುರುಷ ರೂಪನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಲಿಂಗ್ ಮೇ ದೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೇ, ಲಿಂಗ್ ಮೇ ಕಿತ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ, ದೋ ಪ್ರಕಾರ. ಲಿಂಗ್ ಮೇ ದೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೇ, ಲಿಂಗ್ ಮೇ ಕಿತ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೇ ಲಿಖಿಯೆ, अलवा लिंग में कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं लिखिए, अरे लिंग दली एष्टु विधगळु अव यावेवु अंत बरीरि अंदाग एनु माड्तीरि नीवु। लिंग में दो प्रकार हैं, वे अंद्रे अवु, वे कौन कौन से, पहला जो है पुल्लिंग, जैसे ही दूसरा स्त्रीलिंग, है ना।
पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के लिए उदाहरण हम देख सकते हैं आदमी, दादा, नाना, मोर, शेर, इस प्रकार अनेक उदाहरण भी हम देखते हैं। जैसे ही स्त्रीलिंग में माता, चाची, शेरनी, इस प्रकार भी अनेक स्त्रीलिंग रूप शब्दों को हम देखे हैं यानी सुने हैं, है ना, उसके बारे में भी हम जाने हैं। अब हम देखेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का, जिस शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। और एक बार बोलती हूँ, जिस शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, पुल्लिंग किसे कहते हैं? इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या, जिस शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಅದು ಪುರುಷ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಿಸ್ ಶಬ್ದಸೆ ಕಿಸಿ ಪುರುಷ जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ओके, बाद में हम देखेंगे स्त्रीलिंग। इलोरी सेम, जिस शब्द से किसी स्त्री इली पुरुष तक बिट्टू स्त्री अंत सेरिसिद्रे आमले इली उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इवेरडन्नु नीवु वर्ड चेंज माड्द्री अंतंद्रे इदक्के डेफिनेशन निमगे अंद्रे इदरद ओंदु आंसर तुंबाने ईजी। एनु बरीतीवि अदु एनु हेळ्तीवि अंत नीवु गमन कोट्टु केळिसिकोंड्रे एनागुत्ते, फुल निमगे ईजी आगुत्ते। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, क्या जिस शब्द से किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से किसी अंदर यावदे वंदो स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। समझे ना, पहले आप क्या जाने, लिंग किसे कहते हैं इसके बारे में जाने, बाद में लिंग में कितने प्रकार है वे कौन कौन से हैं, और पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, इतना आप जान लिए। बाद में हम देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाते हैं, यानी पुल्लिंग रूप में रहने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में कैसे लिखते हैं, यह भी मैंने आपको बताना चाहती हूँ। देखेंगे पुल्लिंग रूप से स्त्रीलिंग रूप कैसे बदलते हैं। ऐन नावी अरे पुल्लिंग रूपदलीरतक शब्द ऐनमोण स्त्रीलिंग रूप के बदलबिट बरियो जस्ट निम्हेन अरे लिंग बदली अंतर लिंग बदली अंतरली स्त्री रूपदेबू ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಪ ಆದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು
पुल्लिंग के बदला स्त्री, पुल्लिंग दलिद्रदना स्त्रीलिंग के बदलाइसबिट्टो परित्री, यानी पुल्लिंग रूप में रहने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में लिखते हो, स्त्रीलिंग रूप में रहने वाले शब्दों को पुल्लिंग रूप में लिखते हो। देखेंगे वे कौन कौन से हैं, यानी उदाहरण के लिए हम देखेंगे बैल, वेट मारे सॉरी, पहले मैं क्या लिखती हूँ पुल्लिंग, ओके ना। इधर हम देखेंगे जिसका स्त्रीलिंग रूप, ओके, इधर लिखने वाला शब्द क्या है पुल्लिंग रूप में रहने वाला शब्द होते हैं, यहाँ उनके स्त्रीलिंग रूप हम कैसे बदलते हैं यह भी मैंने आपको बताना चाहती हूँ। पहले बैल, बैल यानी एत्तु अलवा, बैल जिसका स्त्रीलिंग रूप होता है गाय, है ना, बैल गाय, एत्तु गाय अंदरे आकड़ अलवा। हागेने पुरुष, पुल्लिंग को हमें पुरुष भी कहते हैं, पुल्लिंग का और एक अर्थ होता है पुरुष, जैसे ही पुरुष का स्त्रीलिंग रूप होता है स्त्री, स्त्री को हम नारी भी बोलते हैं, नारी महिला, है ना, स्त्रीलिंग का और एक अर्थ होता है नारी महिला, नारी अंतनु हेळ्तीवि महिला अंतनु कूड हेळ्तीवि, स्त्री महिले अंत यूज माड्तारल्वा नोडिदिरि अल्वा केळिदिरि नीवु। जैसे ही स्त्री का और एक शब्द होता है नारी या महिला, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हो। स्त्री इस शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है, यानी स्त्री इस शब्द का समानार्थक शब्द लिखिए, तब क्या लिख सकते हो आप नारी या महिला, दोनों में एक लिखे तो बस, ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು। ಹಾಗೆ ದೇಖಿಂಗೆ ಬಕ್ರ, ಏನ ಬಕ್ರ, ಬಕ್ರಿ ಕುರಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಕ್ರ ಬಕ್ರಿ, ಚೀಂಟ ಚೀಂಟ, ಯಾಕೆ ಹೋತಾಯೆ ಚೀಂಟಿ, ಏನ चींटा चींटी। जैसे ही चूहा, चूहा चूहिया, स्त्रीलिंग रूप में क्या होता है चूहिया, चूहा चूहिया। जैसे ही शेर, शेरनी शेर शेरनी। आगे देखेंगे बाघ, शेर यानी लायन अल्वा, बाघ अंदरे हुली, बाघ बागिन। नी टाइगर, इधर शेर लायन, बाघ टाइगर, बाघ बागिन, है ना, बाघ बागिन। अध्यापक अध्यापिका, है ना, अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक अध्यापिका, ओके। जैसे ही पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, कवि कवयित्री, है ना, जिस तरह भी हम अनेक शब्दों को देखते हैं, गायक गायिका, गायक गायिका, गायक गायकी अंत नोड़तीवल ना, गायक यानी गायक गायकी, गायिका, बालक बालिका, है ना, बालक बालिका, ओके, बालक बालिका।
जैसे ही शिक्षक शिक्षक शिक्षिका ओके शिक्षक शिक्षिका शिक्षक शिक्षकी अंत केळिद्री अल्वा यहाँ पर हम बोलते हैं शिक्षिका नौकर नौकरानी नौकर नौकरानी ठीक है नौकर नौकरानी जैसे ही पुत्र पुत्र पुत्री जिसका और एक अर्थ होता है पुत्र का और एक अर्थ होता है बेटा है ना पुत्र यानी सन्न बेटा अंत ना हेल्ते पुत्र का और एक अर्थ होता है बेटा जैसे यहाँ स्त्रीलिंग रूप में बदलता है बेटी बेटा बेटी अलवा आगे राजा रानी राजा रानी बाई बहन बाई यानी अण्णा बड़े बाई अंदरे अण्णा आगुत्ते छोटा बाई अंदरे अम्मा आगुत्ते ओके दीदी अंत हेळ्तीवि अक्कनिगे बहन अंदरे तंगी बाई जिसका स्त्रीलिंग रूप होता है बहन ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಬೆಹನ್ ಬೆಹನ್ ಅಂತೀರಿ ಬೆಹನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಹನ್ ಓಕೆನಾ ಹೇಳುವಾಗೂ ಬೆಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬರೆಯುವಾಗೂ ಬೆಹನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಜೋ ಬಹನ್ ಬಾಯಿ ಈ ಶಬ್ದಕ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಹೋತಾ ಹೇ ಬಹನ್ ನಾಟ್ ಬೆಹನ್ ಬೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಾ ಬಹನ್ ಬೂಡಾ ಬೂಡಿಯಾ ಬೂಡಾ ಜಿಸ್ಕ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಹೋತಾ ಹೇ बुढ़िया मुदुका मुदुकी अलवा मुदुका मुदुकी बूढ़ा यानी ओल्ड मैन ओल्ड लेडी अलवा बूढ़ा मुदुका बुढ़िया मुदुकी देवर देवरानी देवर है ना जैसे ही देवरानी पति पति पत्नी है ना पति पत्नी जैसे ही कुम्हार कुम्हारिन कुम्हार कुम्हारिन ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕುಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾಯ್ಸಿಗಾದರೆ ಅದೇ ಗರ್ಲ್ಸಿಗಾದರೆ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗಾದರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೈಸೆ ಹಿ ಮೋರ್ ಮೋರ್ನಿ ಏನ ಮೋರ್ ಮೋರ್ನಿ ಇಸ್ಮೇ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಸ ಕೌನ್ ಹೋತಾ ಮೋರ್ ಗಂಡನವಿಲೇ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಗಂಡನವಿಲು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋರ್ ಎನಿ ನವಿಲು ಮೋರ್ ಮೋರ್ನಿ ಜೈಸೆ ಹಿ ಊಂಟ ಊಂಟಿನಿ ಊಂಟ ಎನಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಊಂಟ ಊಂಟಿನಿ ಊಂಟಿನಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಊಂಟಿನಿ ಓಕೆ ಊಂಟ ಊಂಟಿನಿ ಜೈಸೆ ಹಿ ದಾದಾ ದಾದಿ ನಾನಾ ನಾನಿ ಹೇನ ಚಾಚಾ ಚಾಚಿ ಮಾಮಾ ಮಾಮಿ ಜಿಸ್ ತರ ಭಿ ಹಮ್ ಅನೇಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಔರ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ದೇಖತೆ ಹೇ ಹೇನ पहले मैंने आपको लिखी थी बैल गाय बैल यानी एत्तु गाय आकलु पुरुष के
ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ. ಸ್ತ್ರೀಗೆ ನಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುರುಷ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಈ ಚೀಂಟ ಇರುವೆ ಆ್ಯಂಟ, ಬಂದರ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಂದರ್ ಬಂದರಿ, ಕಾಕಾ ಕಾಕಿ ಏನಾ, ಬಂದರ್ ಬಂದರ್ ಜಿಸ್ಕಾ ತ್ರಿಲಿಂಗ ರೂಪ ಹೋತಾ ಹೇ ಬಂದರಿ, ಕಾಕಾ ಕಾಕಿ ಏನಾ, ಕಾಕಾ ಕಾಕಿ, ಚಾಚಾ ಚಾಚಿ, ನಾನಾ ನಾನಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ನಾವು ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಜೈಸೆ ಹಿ ಪಿತ ಮಾತಾ, ಮಾತಾ ಪಿತ ಅಂತಲೂ ಬರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪಿತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತಾ ಬರಿತೀರಿ, ಮಾತಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಿತ ಬರಿತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಡ ಗೋಡಿ ಏನಾ, ಗೋಡ ಗೋಡಿ, ಕ್ಯಾ ಗೋಡ ಗೋಡಿ, ಗೋಡ ಯಾನಿ ಹಾರ್ಸ್. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಗೋಡಿ, ಗೋಡ ಗೋಡಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಗುರು ಗುರು ಆಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಂಡಿತ ಪಂಡಿತಾಯಿನ್, ಪಂಡಿತ ಪಂಡಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಪಂಡಿತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ, ಪಂಡಿತಾಯಿನ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ, ಪಂಡಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಪಂಡಿತ ಪಂಡಿತೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಪುಣರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಹಮ್ ದೇಖೆಂಗೆ ಪಂಡಿತ ಪಂಡಿತಾಯಿನ್, ಪಂಡಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಹೋತಾ ಹೇ ಪಂಡಿತಾಯಿನ್ ಏನ, ಪಂಡಿತ ಪಂಡಿತಾಯಿನ್. ಹಾತಿ ಹಾತಿನಿ, ಹಾತಿ ಹಾತಿನಿ, ಯಾವ ಆ ಜನೋ ಹಾತಿ, ಹಾತಿ ಅನಿ ಗಂಡು ಆನೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾತಿ ಗಂಡು ಆನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾತಿನಿ. ಮುರ್ಗ ಮುರ್ಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮಾಲಿ ಮಾಲಿನ್, ನೌಕರ್ ನೌಕರಾಯಿನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಆಗಲೇ ಬರೆಸಿದ್ದೆ. ಪಾಠಕ್ ಪಾಠಿಕ, ಲೇಖಕ್ ಲೇಖಿಕ ಅಲ್ವಾ, ಲೇಖಕ್ ಲೇಖಿಕ. ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕವಿ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಕವಿ ಕವಿಯತ್ರಿ, ಲೇಖಕ್ ಲೇಖಿಕ, ಗಾಯಕ್ ಗಾಯಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಗಾಯಕ ಗಾಯಕ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಾಯಕ ಗಾಯಕ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅನಿ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ್ಸೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ್ಸೆ ಬದಲ್ತೆ ಹೇ ಏನಾ. ಆದ್ಮಿ ಔರತ್, ಆದ್ಮಿ ಔರತ್ ಯಾ ಬಿ ಹಮ್ ಲಿಖ ಸಕ್ತೆ, ಕ್ಯಾ ಆದ್ಮಿ ಔರತ್, ಕ್ಯಾ ಆದ್ಮಿ ಔರತ್, ಆದ್ಮಿ ಔರತ್, ಔರತ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ಮಿ ಔರತ್. ಜೈಸೆ ಹಿ ಸುನಾರ್ ಸುನಾರಿನ್, ನೌಕರ್ ನೌಕರಾನಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಧ್ಯಾಪಿಕ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಸ್ ತರಹ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪಕ್ಕೂ ಬದಲ್ತೆ ಹೇ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಹಿರಣ್ ಹಿರಣಿ, ಹಿರಣ್ ಹಿರಣ್ ಏನಿ ಜಿಂಕೆ, ಹಿರಣ್ ಹಿರಣಿ ಜಿಂಕೆ ಅಂದರೆ ಡೀರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಿರಣ್ ಏನಿ ಡೀರ್, ಹಿರಣ್ಣ ಹಿರಣಿ. ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಕೇಸೆ ಬದಲ್ತೆ ಯಹಾ ಬಿ ಆಪ್ ಜಾನ್ ರೇ ಹೋ. ಬಚ್ಚೋ ಬಚ್ಚೋ ಆಜ್ ಮೇನೆ ಆಪ್ಕೋ ಕಿಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಬತಾಯಿ,
व्याकरण के एक भाग लिंग के बारे में बताई हूँ, है ना। लिंग किसे कहते हैं, जिस यानी क्या, लिंग की परिभाषा मैंने आपको लिखाई हूँ। संज्ञा के जिस रूप से कोई व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग में दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे ही पुल्लिंग रूप में रहने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में कैसे बदलते हैं, इतना सारे विषयों को मैंने आपको बताई हूँ। धोबी धोबी धोबिन धोबी धोबिन अगस अल्वा। धोबी अंदर अगसनगे ना हेल्ती। जैसे ही यहाँ पर व्यक्तियों को भी देखते हैं, जैसे प्राणियों को भी देखते हैं, है ना, वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग रूप में रहने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग रूप कैसे बदलते हैं, यह भी मैंने आपको बताई हूँ। यानी यहाँ हम पूछ सकते हैं लिंग किसे कहते हैं, लिंग में कितने प्रकार है, कौन कौन से हैं, लिखिए यह कौन कौन से लिखे अंदर ऐन मारती बरीतिरी हाँ लिंग बदलिए। जस्ट ऐन डेंगो लिंग बदलिए अंतिरते, तब आप क्या करते हो, वह दिए गए शब्द यानी पुल्लिंग रूप में है या स्त्रीलिंग रूप में है, यह भी आप देखकर लिखना है। स्त्रीलिंग रूप में रहे तो उसे उसका पुल्लिंग रूप लिखते हो, जैसे ही पुल्लिंग रूप में रहे तो उसका स्त्रीलिंग रूप लिखते हो। अच्छा बच्चों, इतनी समय मेरे पाठ को बहुत ही ध्यान से सुने हो, धन्यवाद।